नहीं, इसका जो एक ये होगा कि ईच डायगोनल ईच डायगनल बाइसेक्ट एंगल एट द वर्टाइसेस। वर्टाइसेस के एंगल को क्या करेगा बेटा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है? यहाँ पर मतलब हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? इसको भी बना दूँ? सभी साइड इक्वल लग रही है बेटा? बस ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या होगा बेटा, 90 डिग्री और 90 डिग्री का होगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? गुड। इसके बाद क्या है हमारे पास बेटा? स्क्वायर। अरुणो बेटा आपको आता है सारी चीजें? ये सभी चीजें आती हैं हाँ सर, क्या? बात है यार, फिर तो कोई टेंशन ही थोड़ी नहीं बहुत है। याद है। यहाँ पर क्या होता है बेटा हमारे पास? ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्या हो सकता है? इसके डायगनल्स भी क्या होते हैं बेटा, ये याद रखना है, जो काम की चीजें हैं। डायगनल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं। गुड। फिर बेटा क्या हो सकता है? और इसके जो एंगल होते हैं बेटा, ईच एंगल कितने वो डिग्री भी का इक्वल होता ही है? होते हैं। ये कहाँ से आ गया? नाइन्टी डिग्री ना। और क्या हो सकता है बेटा? इसके जो डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं बेटा, वो भी 90 डिग्री पे करते हैं, ठीक है? और लास्ट प्रॉपर्टी की ईच ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको ही बना देता हूं मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बेटा? तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, और इक्वल टू बेटा क्या हमारे पास? डी ए ना, और बी डी एंड ए सी ऑल्सो इक्वल, है ना? ये डायगनल्स है हमारे पास, ये भी इक्वल है, ये साइड्स है इक्वल है, और अगर ओ है बेटा तो यहाँ पर हर कोई 90 डिग्री का है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो, नो प्रॉब्लम सर। गुड।
बता सकते हो बेटा इसको? अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है। फिर क्या होता है बेटा हमारे पास? ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स, या इसी को क्या बोल सकते हो बेटा आप लोग? कंजॉइंट एंगल। और सप्लीमेंट्री, कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। डायगनल बाइसेक्ट्स ईच अदर लास्ट प्रॉपर्टी बेटा। ये बहुत जरूरी है। क्या लिखा है बेटा? देखो, जो डायगनल्स होते हैं कैसा डिवाइड करते हैं एक दूसरे को बेटा? जो ट्रायंगल बनता है कह रहा है कॉन्ग्रेंट होता है, और उन सभी की एरिया बेटा क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इसको समझ लो, जो जो मैंने पॉइंट लिखे हैं यहाँ पर, ये सभी देखो। क्या क्या बताया बेटा मैंने? ए बी सी एंड डी। तो बेटा बताओ, बताते जाओ क्या क्या बताया मैंने। हाँ आप लोग बोल ही नहीं रहे बेटा। मैंने ये बताया बेटा कि हमारे पास देखो ए बी है, वो पैरेलल होगी किस चीज़ के बेटा? सी डी के, है ना। यस एंड सर। बेटा क्या होगा? ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा किस चीज़ के बेटा? बी सी के। ये बताया मैंने, एक तो चीज़ ये बताई, ठीक है। और क्या बताया बेटा हमारे पास? और एक चीज़ ये बताया कि जो अपोजिट साइड्स होंगी, तो ए बी बेटा इक्वल होगा किस चीज़ के? सी डी के। सिमिलरली ए डी इक्वल होगा बेटा किस चीज़ के? बी सी के। याद रखना, ये चीज़ बताई मैंने। और क्या बताया बेटा? मैंने क्या बोला कि जो एंगल होंगे इक्वल होंगे, एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग का मतलब है, देखो इसकी प्रॉपर्टी समझते चलना, जो जो मैंने बताया उसको मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको।
कि एंगल ए, थर्ड वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि एंगल ए और बेटा एंगल डी इनका सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। या तो बेटा ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एंगल बी प्लस एंगल बेटा कितना सी, इसका भी सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। या ऐसा भी लिखा जा सकता है कि एंगल सी और एंगल बेटा क्या डी, ठीक है ना, इसका भी सम कितना होना चाहिए बेटा, 180 डिग्री होना चाहिए। और क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, एंगल डी प्लस एंगल ए तो लिख ही दिया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी और सी भी लिख दिया, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, मैंने बोला है कि डायगनल्स, देखो जो एरिया होगी यानी कि अगर यहाँ पर हो जाए हमारे पास, डायगनल्स के बारे में क्या बोला बेटा मैंने, डायगनल सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा, यानी कि जितना हमारे पास यहाँ पर होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पर होगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जितना बेटा यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है एरिया बेटा सभी की इक्वल होगी, यानी कि ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर, तो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर इक्वल टू बेटा कितना ए, है ना। और जो ट्रेंगल बनाएंगे बेटा, ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नो प्रॉब्लम सर। गुड। अरुण बेटा आपको प्रॉब्लम है? आपको नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है फिर। ट्रेपेजियम में क्या होता है बेटा? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ठीक है ना बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बट अदर इज बेटा क्या होगा, नॉन पैरेलल ना, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा चीज क्या होगा बेटा, डायगनल क्या करेंगे बेटा, इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और कुछ लगता है? जो पैरेलल साइड होते हैं बेटा उसके एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, बट चलो मैं बना देता हूँ इसके लिए। ट्रपेजियम में बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ? तो ये दोनों साइड के क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगे, और अगर इसके डायगोनल्स बनाए तो इंटरसेक्ट करेंगे ऐसा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं एक्स्ट्रा में एक चीज़ लिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें फिर अपनी बुक देखेंगे हम लोग।
कोई भी पॉलीगन होगा बेटा, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? इतना, 2n-1 × 30। कोई प्रॉब्लम है? आप चाहो तो कोई क्वाड्रेटरल का रख के देख सकते हो। तो अगर मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटरल है, यहाँ पर हम लोग क्वाड ही पढ़ रहे हैं ना, तो क्वाड में हमारे पास नंबर ऑफ साइड कितनी होती है बेटा? 4 होती है ना। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इसके इंटीरियर एंगल का सम, तो 2 × (multiplied by) बेटा कितना? 4 - 1 ना। देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? 2 n/n, यहाँ गलत लिखा है। तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 4 ना, 4 × 90, यानी कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 360 डिग्री। कोई प्रॉब्लम बेटा? अगर कोई हमारे पास मान लो सपोज करो कि ट्रायंगल है, ठीक है, तो चलो कॉर्ड था, ट्रायंगल है, ट्रायंगल कितनी साइड होती है बेटा? 3 ना। यहाँ रख के चेक करते हैं हम लोग। क्या बेटा कुछ बोलना चाहते हो आप? तो 6 - 4 × (multiplied by) बेटा कितना? 90, यानी कितना आ रहा है बेटा? 180 डिग्री आ रहा है। ये फार्मूला आप याद रख सकते हो। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ पर? ओके, फिर तो सही है। और दूसरी चीज़ क्या है जो दूसरा है हमारे पास? कितना होता है बेटा? 180 डिग्री, है ना। कहीं पर भी किसी वर्टेक्स में अगर आप देखोगे तो उसके एक्सटर्नल एंगल का सम और इंटरनल एंगल, ठीक है ना, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? इसका एग्जाम्पल देख लो, बताओ किसका निकाल दें बेटा हम लोग? कोई भी क्वाड्रेटरल, हम लोग क्वाड्रेटरल पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटरल का समझ लो। कितनी साइड है बेटा हमारे पास? 4 है ना एन की वैल्यू। तो अगर यहाँ पर प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 × बेटा कितना? 4 - 4 × 90, और डिवाइडेड बाय बेटा कितना हमारे पास? 4। तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर? 4 × 90 / 4, तो बेटा कितना निकलेगा हमारे पास? 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा ये? थर्ड ना, फोर्थ प्रॉपर्टी। थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई बेटा कितना? एन, ठीक है ना। अगर आप एक्सटर्नल निकालोगे तो किसका निकालना है बेटा? किसी का भी निकाल सकते हो आप, जिसका भी चाहो आप।
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो हेलो, सर, नो प्रॉब्लम। चलो फिर बुक खोलते हैं हम लोग और देखते हैं। कौन सा चैप्टर है बेटा अपना ये? सर चैप्टर 8। चैप्टर 8। यस सर। ओके, हट गया क्या? देखो बेटा, सभी की प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है ना? और बाकी भी थ्योरम्स है, थ्योरम भी आपको करवा देंगे। पहले क्वेश्चन बना ले, बहुत सारी थ्योरम दी है। चलो, जो थ्योरम आपको बतानी पड़ेंगे। चलो आज तो टाइम नहीं है, चलो आज एक क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी बनाएंगे, ठीक है? क्या बेटा क्वेश्चन? ठीक बन जाएगा कि मैं बनाऊँ इस क्वेश्चन को? देखो, रेशियो दिया है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। क्या अर्नो बेटा, बन जाएगा ये क्वेश्चन? हेलो, बताओ बेटा फिर क्या आंसर आएगा तब?
लोग बोल ही नहीं रहे बेटा, देखो मैं बना देता हूँ, इधर देखो। ओके गुड, हरनो बेटा तुम हाँ सर, बता ही नहीं रहे हो यार, बोल ही नहीं रहे हो। बना रहे हो? सर इसका सर थर्ड वाले का है 36 डिग्री, फाइव का है 60 डिग्री, नाइन का है 108 डिग्री, 13 का है 156 डिग्री। 1 सेकेंड, 3x प्लस बेटा कितना, 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू बेटा कितना हमारे पास, 360। मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा, एट सेवेंटीन थर्टी 30 30x इक्वल टू बेटा कितना, 360, ट्वेल्व सर ट्वेल्व तो 12। तो एंगल ए अगर मान लो तो इसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, हमारे पास 36। बी की बात करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 60। आप सी की बात करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, सर 108 और अगर आप डी की बात करोगे तो बेटा वन कितना हो फिफ्टी जाएगा, सिक्स 156। सिक्स गुड, राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो कल से हम लोग थ्योरम बना लेंगे, ठीक है? हाँ सर, ओके सर। ओके बेटा।